रीवा में परशुराम आश्रम को तोड़े जाने के बाद अब आस्था के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि आश्रम के ठीक बगल में पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ला का वेयर हाउस भी अवैध रूप से संचालित है, जिसको प्रशासन के द्वारा नहीं गिराया गया। यह कार्रवाई उद्देश्य पूर्वक की गई है। रीवा के इटौरा बाईपास में स्थित परशुराम आश्रम को तोड़े जाने से आम जनता में प्रशासन और स्थानीय विधायकों के खिलाफ रोष है। जनता ने अपने अपने स्तर पर इसका विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी ने रीवा के मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण है। अगर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती तो आश्रम के ठीक पास में विधायक राजेंद्र शुक्ला का वेयर हाउस अवैध रूप से बना हुआ है, उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा सरकार का पुतला दहन यहाँ के जिला स्थानीय जो सरकार है और यहाँ के जिला स्थानीय विधायक जो यहाँ के स्थानीय विधायक है आज उनका पुतला दहन है और जो यहाँ के प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी हैं आज उनका पुतला दहन यहाँ पे हुआ है। ये पुतला दहन जिस तरह से इटौरा बाईपास के अंदर हमारे परशुराम आश्रम, परशुराम भगवान जी का आश्रम था, आज वहाँ पे अवैध निर्माण को दिखाते हुए जिस तरह से जिला प्रशासन और यहाँ की स्थानीय सरकारों और बीजेपी सरकार ने जिस तरह से बुलडोजर चलाने का काम किया है, उसी के पीछे यदि हम देखें तो एक बाउंड्री वॉल्व है, वो भी किसी न स्थानीय यहाँ के विधायक और मंत्री की कहीं ना कहीं पर वो बाउंड्री वॉल्व है और आगे की चीजें वहाँ पे वेयर हाउस है, कहीं ना कहीं उसका भी चेकअप होना चाहिए, अवैध निर्माण होना जो अवैध है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ब्राह्मण कुलश्रेष्ठ और हिंदुओं की आस्था रहे परशुराम भगवान के आश्रम को गिराकर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माफियाओं पर कार्रवाई करने को लेकर बीते दिनों आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद रीवा जिला प्रशासन सक्रिय हुआ तथा अतिक्रमण के नाम पर परशुराम आश्रम को तोड़ दिया गया। लेकिन अब प्रशासन की इस एकतरफा कार्रवाई के विरोध में जनता एकजुट हो रही है, जिससे साफ समझा जा सकता है कि प्रशासन की कार्रवाई वाकई एकतरफा नहीं थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।